चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ताज़े हरे मटर से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी, जो कि खास करके ठंडियों के सीज़न में बनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ताज़े हरे मटर मार्केट में मिलते हैं। आज हम बनाएंगे निमोना, जिसे खास करके बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी के साथ खाया जाता है, और रोटी के साथ खाने में इसका स्वाद ही बहुत अलग लगता है। तो आज हम बनाएंगे ड्राई निमोना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम फ्रेश हरे मटर ले लिए हैं, जिसे मैंने दो पार्ट में रखा है, क्यों वो मैं आपको आगे बताती हूँ। साथ में 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, 1 टमाटर और यहाँ पे मैंने पाउडर मसाले ले लिए हैं, बेसिक जो हम नॉर्मल डेली यूज़ करते हैं। साथ में बहुत सारा हरी धनिया का पत्ता, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च ले ली है। यहाँ पे जो बड़े वाले बाउल में मैंने मटर लिया था, उसे मैंने दरदरा सा पीस दिया है मिक्सर के जार में, और इसे मैंने निकाल के साइड में रख दिया। उसी जार में मैंने धनिया, मिर्ची और लहसुन को भी पीस लिया है। अब यहाँ पे वो तैयारी करने के बाद मैंने कढ़ाई गर्म करने रखी, जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के सरसों का तेल ऐड किया। इसमें मैंने अच्छे से तेल गर्म हो जाने के बाद ज़ीरा और हींग ऐड किया। दोनों चीज़ों के पक जाने के बाद मैंने जो कटा हुआ आलू था ना, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब आलू को मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में रखा है, ताकि ये सब्ज़ी में ना अच्छे से दिखे भी, इसका हलवा ना बने, और खाने में ना ये बहुत ही स्वाद देता है, क्योंकि हम इसे अच्छे से तेल में फ्राई करके पकाते हैं। तो यहाँ पे तेल में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम ना मतलब बोलते हैं 70% तक, मतलब आधा से आधा हम आलू को पका लेंगे, ताकि आलू का कच्चापन सारा निकल जाए। इसके बाद जो हमने मटर को पीसा था वो, और जो थोड़े से मटर को हमने साइड में रखा था ना, वो दोनों इसमें ऐड कर देंगे, ताकि पीसे हुए मटर के साथ ना थोड़े से खड़े हुए मटर भी, और जब मुँह में आते हैं ना, उसकी बाइट बहुत अच्छी लगती है। अब आलू के साथ मटर को हम अच्छे से भून लेंगे। जो निमोना बनता है ना, जिसे राइस वगैरह के साथ खाने के लिए बनाया जाता है, उसमें ना पहले मटर को भूना जाता है, उसके बाद आलू ऐड की जाती है। पर ये जो रेसिपी है ना, इसमें पहले आलू को फ्राई मैंने किया है, उसके बाद मैंने मटर डाला है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से भूनते हुए हम पका लेंगे। कढ़ाई में ना जो मटर थोड़ा सा लग जाता है ना, चिपक जाता है, उसको अच्छे से ना स्क्रैच करेंगे, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे जो मैंने 1 टमाटर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर और नमक। सारी चीज़ों को ऐड कर दिया, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिया, मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हम इसे सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं, अगर आप नॉर्मल निमोना बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने भून लिया, ढक करके मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम से स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद मैंने इसे ओपन किया, और यहाँ पे मैंने इसे फिर से स्क्रैच करते हुए अच्छे से मिक्स करके पका लिया। अब जो मैंने धनिया, मिर्ची और लहसुन को पीसा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए, ये जो मसाले थे, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्सर की उसी जार में मैंने थोड़ा सा 1 कप पानी लिया, एक छोटे कप, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब अगर आप थोड़ा सा लिक्विड वाला, ग्रेवी वाला निमोना खाना चाहते हैं राइस के साथ भी, तो आप इस टाइम पे यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल वाला निमोना बन जाएगा। अब क्योंकि मैं इस रेसिपी को सिर्फ रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। अच्छे से मिक्स करके ढक दिया था, लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम से स्लो फ्लेम पर मैंने इसे पकने दिया, और 10 मिनट बाद ये सब्ज़ी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पक के तैयार है। अच्छे से एक बार मैं इसे फिर से मिक्स कर दे रही हूँ, और फिर से देखिए आलू जो है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसे मैं ढक करके लगभग 3 से 4 मिनट के लिए फिर से स्लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए फिर से छोड़ दिया था, और ये देखिए तेल की परत बहुत ही अच्छे से जब ऊपर आ जाती है ना, तो हमारी जो रेसिपी है बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दिया, फिर गर्मा गर्म मैंने इसे सर्व कर लिया। अब ये किसी भी तरह की रोटी के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगती है। इवन अगर आप थोड़ी सूखी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, तो चावल के साथ भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद देती है। तो ट्राई करिए, कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके बताइए। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए।